कहते हैं जी जे लिमिटेड सेल्स ए प्रोडक्ट एट ए मार्कअप ऑफ 25%, तो यू हैव टू कन्वर्ट मार्कअप इनटू मार्जिन। आपको मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट आप कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी बताता हूँ। अब कैसे मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करेंगे, 25% ना पता है ना हमें। तो नवंबर की सेल्स हम देखते हैं सबसे पहले। अब हमें तो अमाउंट दी हुई है रोहान, वो तो सेल्स की दी हुई है ना, सेल्स पर मार्कअप तो अप्लाई हो नहीं सकता, सेल्स पर तो मार्जिन अप्लाई होगा। तो आपको मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 डिवाइडेड बाय 125। ठीक है जी, बताइए जी कितना आता है, ये प्रॉफिट आ जाएगा जो निकलेगा, मुझे बताएं कितना आता है। वो माइनस कर देंगे 1,50,000 में से 25 और 125, क्योंकि हम परसेंटेज और 100+% आप करेंगे तो मार्कअप मार्जिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1,50,000 का 25 और 125 कितना आता है हमारा, 30,000। ये माइनस कर देंगे तो आपके पास नवंबर का की कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, यानी 1,20,000। इसी तरह दिसंबर की निकालते हैं, 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 125, जो भी आएगा उसको आप माइनस कर देंगे किसमें से, 1,80,000 में से -36,000 आ जाएगा कॉस्ट पे आ जाएगा। कितना आता माइनस करें, ये आपका आ जाएगा 1,44,000। आप 2 लाख का निकाल लेंगे, 2 लाख का मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 125 जो आएगा, 2 लाख में से माइनस कर देंगे 40,000, सॉरी माइनस करके आप बता रहे थे ना, माइनस कर देंगे तो ये आपकी अमाउंट आ जाएगी 1,60,000 की। उसके बाद फरवरी का निकाल लेते हैं, 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 125, ये आपका आ जाएगा 2,10,000 माइनस 42,000। ये देख लेते हैं कितना हमारा आ जाता है कॉस्ट इसकी, 168,000। ठीक है, ये हमारा निकला है। अब जी नीचे की जरूरत नहीं ना, क्योंकि वो जितना सालों का हमने कहा है उसके लिए इतने काफी, जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे हम। हमने सेल्स भी हमें पता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी पता चल गई है। आई कहता है ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट एंड कस्टमर्स हैव ए क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ्स, यानी कि नवंबर की जो सेल्स है उसके पैसे, नवंबर की सेल्स के पैसे हमें कब मिलते हैं, नवंबर की सेल्स के पैसे हमें कब मिलेंगे हसन, जनवरी में। दिसंबर की सेल्स के पैसे कब मिलेंगे, फरवरी में। जनवरी की सेल्स के पैसे कब मिलेंगे, मार्च में। और फरवरी की सेल्स के पैसे कब मिलेंगे, अप्रैल में, 2 महीने बाद, अगले महीने नहीं, उससे अगले। ऑल परचेजेस आर ऑन क्रेडिट एंड सप्लायर्स आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग परचेजेस। परचेजेस जो आप करते हैं वो आप अगले महीने पे करते हैं, लेकिन परचेजेस में एक इशू आ रहा है, वो क्या, इन्वेंट्री लेवल एट द एंड ऑफ ईच मंथ विल बी मेंटेन्ड एट 25% ऑफ द सेल्स वॉल्यूम इन द फॉलोइंग मंथ। अगले महीने की सेल्स वॉल्यूम का 25% जो है वो हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है, ये वो कह रहा है। मंथली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी 18,000 व्हिच इंक्लूड्स 3,000 डेप्रिसिएशन। बैलेंस एट बैंक एंड फर्स्ट जनवरी एक्सपेक्टेड टू बी 4,500। आपने करना क्या है, उसने क्वेश्चन में हमें यानी रिक्वायरमेंट बेसिकली हमें क्या दी हुई है, रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर द कैश बजट फॉर ईच ऑफ द 3 मंथ्स फ्रॉम जनवरी टू मार्च, जनवरी फरवरी मार्च का कैश बजट बनाना है, और इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है इसी पीरियड की। तो हम इसी पीरियड की बनाते हैं, इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा इधर मैं यहाँ पे कैश बजट बनाने की बजाय कि मैं पहले कैश बजट बनाने स्टार्ट करूं, मैं पहले क्या निकालने लगा हूँ, परचेजेस, क्योंकि परचेज मुझे नहीं दी। परचेजेस मैं कैसे निकालूंगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ सेल्स मैं लिख रहा हूँ, इसमें मैं ऐड कर दूंगा क्लोजिंग इन्वेंट्री, और इसमें से मैं लेस कर दूंगा ओपनिंग इन्वेंट्री। और ये मैंने निकालनी है किस किस की, जनवरी की चाहिए मुझे, अगले महीने पे करते हैं ना, दिसंबर की भी चाहिए मुझे, दिसंबर की, जनवरी की और
फरवरी की, वो मार्च में हम पे करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स दिसंबर की कितनी है वो हम देखते हैं, अभी मैंने निकाली थी नवंबर दिसंबर, कितनी है 1,44,000, ऐसे ही है कॉस्ट ऑफ सेल दिसंबर की 1,44,000 है। ये देखिए यार, ये निकाली है आपने, दिसंबर की कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है 1,44,000, ठीक है जी। अब इसमें ऐड करनी क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है सर, अगले महीने की सेल्स का 25%। मैं फिर रिपीट करो, यहां से बच्चों ने गलती की है, अगले महीने की कॉस्ट ऑफ सेल्स का नहीं, अगले महीने की सेल्स का 25% क्लोजिंग इन्वेंट्री है। अगले दिसंबर से अगले महीने की सेल्स कितनी है, 2,00,000, 2,00,000 का 25% कितना बनेगा, 2,00,000 का 25% कितना बन रहा है, 50,000। लेस करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगी, दिसंबर की सेल्स का 25%। दिसंबर की सेल्स कितनी है, पीछे जाना पड़ेगा बेटा, दिसंबर की सेल्स कितनी है, 1,50,000 इस दिसंबर की सेल्स, सॉरी 1,80,000, इसका 25% कितना आएगा, वो ओपनिंग इन्वेंट्री बनेगी, 1,80,000 का 25%। सर समझ नहीं है इसकी, 45,000 बेटा, 2,00,000 का सेल्स, अगले महीने की सेल्स का 25% दिसंबर की क्लोजिंग इन्वेंट्री है, और दिसंबर की सेल्स का 25% नवंबर की क्लोजिंग इन्वेंट्री और दिसंबर की ओपनिंग है, तो वो आपको निकालनी पड़ेगी, वो 1,80,000 है, 1,80,000 का 25% आपको आ जाएगा 45,000। तो पहले इसका टोटल कर लेते हैं ना, ये कितना आ जाएगा 1,94,000, और ये आपका आ जाएगा ओपनिंग इन्वेंट्री 45,000 जी, कितनी आ जाएगी जी आपके पास, माइनस कर दें लेस ओपनिंग इन्वेंट्री, हमारी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो कितनी बनेगी, फरवरी की सेल्स का 25%, यानी 2,10,000 का 25% आपकी जनवरी की क्लोजिंग इन्वेंट्री बनेगी। लेकिन जनवरी की कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है वो देख लें, वो है 1,60,000, जनवरी की कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है 1,60,000, ये निकली हुई है, नहीं समझ आई सर, ये देखिए जनवरी की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो 1,60,000 है, उसमें ऐड करेंगे अगले महीने की सेल्स का 25% विच इज द क्लोजिंग इन्वेंट्री, और 2,00,000 का 25% क्या बन जाएगा, 50,000 तो पीछे से आएंगे, तो 2,10,000 का 25% निकालें कितना आता है, 525,000 टोटल कर लें इसका, 1,60,000 प्लस 525,000 लेस कर देंगे जी ओपनिंग इन्वेंट्री, वो 50,000 ही आ जाएगी, माइनस कर दें जी, आगे जी। अब फरवरी की कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो कितनी है, 1,68,000। अब मार्च की सेल्स का 25% इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री, मार्च की सेल्स का, मार्च की सेल्स 2,25,000 है, 2,25,000 का 25% जो है वो फरवरी की क्लोजिंग इन्वेंट्री हो, 56,250 वो ऐड कर लेंगे आप, आपके पास टोटल आ जाएगा, उसमें से ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे, जो जनवरी की क्लोजिंग है वो इसकी ओपनिंग है जी, 224,250, और जो इसकी ओपनिंग है वो माइनस कर देंगे 52,500, तो आपके पास परचेजेस आ जाएंगे 171,750, काफी है, क्यों, क्योंकि दिसंबर की परचेज हमने पे करनी है सर जनवरी में, जनवरी की परचेज हमने पे करनी है फरवरी में, और फरवरी की परचेज हमने पे करनी है मार्च में, हमारे तीनों महीनों का ऑटोमेटिकली जो है वो ये बन जाएगा सॉल्यूशन। अब हम इसको आगे जो है वो सॉल्व करते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ये मैं बता रहा हूँ, मैंने कॉस्ट ऑफ सेल निकाली थी, अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है, वो मैंने ड्रॉप कर दिया है, और अब मैं कैश बजट जो है वो बनाने जा रहा हूँ, जो कि नॉर्मल हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैश बजट वो हमने किसका बनाना है जी, जनवरी का, फरवरी का, और हमने बनाना है जी मार्च का, हम ये देख लेते हैं जी,
सबसे पहले आप क्या आ जाएगी जी, यहाँ पे रिसीट्स, रिसीट्स में आपका सबसे पहले आता है जो भी रिसीट्स आप कर रहे हैं, तो सबसे पहले सेल्स ही आएंगी ना। अब सेल्स हमें कब मिल रही है देखिए जरा, अगर पीछे अगर हम सवाल में जाएं वापस, कहता है ऑल सेल्स आर ऑन क्रेडिट एंड कस्टमर्स हैव ए क्रेडिट पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। बड़ा आसान है। तो यहाँ पे आप क्या लेंगे जी, 2 मंथ्स आफ्टर सेल। सॉरी थोड़ा पीछे से स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि क्रेडिट पीरियड 2 मंथ का है ना, 2 मंथ आफ्टर सेल। जनवरी में किसके पैसे मिलेंगे पता है आपको, नवंबर के, तो नवंबर की सेल्स कितनी है, 1,50,000। ये पैसे आपको मिल जाएंगे किसमें, जनवरी में। जनवरी में मैं लिखूंगा जी 2 मंथ आफ्टर सेल लिखकर 1,50,000। नेक्स्ट दिसंबर की सेल्स मिल जाएंगी आपको फरवरी में, यानी कि वो आपका आ जाएगा 1,80,000। और फरवरी की सेल, सॉरी जनवरी की सेल्स आपको मिल जाएगी मार्च में, जो कि कितनी है, 2 लाख। इसके अलावा देख रहे हैं और कोई रिसीट्स हमारे सवाल में मौजूद नहीं है, तब आप क्या कर देंगे, लेस कर देंगे इसमें से पेमेंट्स। पेमेंट सबसे पहले आपकी क्या जाती है बेटा, परचेजेस। परचेजेस हम कब पे कर रहे हैं, अगले महीने। दिसंबर की परचेजेस 1,49,000 हम पे करेंगे कब, जनवरी में 1,49,000। ठीक है जी, जनवरी की परचेजेस हम कब पे करेंगे, फरवरी में 1,62,500। और फरवरी कब करेंगे, मार्च में, वो है जी 1,71,750। इसके बाद आप क्या आ जाते हैं बेटा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये सब एक्सपेंसेस ही हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हम पे कर रहे हैं, सवाल पे जरा गौर करें कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो मंथली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप पे करेंगे 18,000 की है, लेकिन उसमें 3,000 की डेप्रिसिएशन है, माइनस कर देंगे, इसलिए कि डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, उस पर कैश कम हो ही नहीं रहा। सिर्फ 18,000 माइनस 3,000 डेप्रिसिएशन आपकी आ जाएगी कितनी, 15, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आप पे कितने के, 15,000 तो क्या पे करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 15,000। इसके भी आपके आ जाएंगे 15,000 और नेक्स्ट के भी आपके आ जाएंगे। और देखते हैं जी और कोई चीज जो कि क्वेश्चन में मौजूद हो और हमने अभी तक इसको काउंट फॉर ना किया, मेरे ख्याल सारा मैं काउंट फॉर कर लिया। अब पेमेंट्स का आपको टोटल करना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट्स की 2 अमाउंट्स हैं, तो बेटर है कि पेमेंट्स का आप टोटल कर लें, क्योंकि उसकी तो जरूरत नहीं है करने की टोटल। जी कितना आ जाएगा जी, 40 जी, नहीं 1,49,000 प्लस 15,000, जी ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 1,62,500 प्लस 15,000 फिर 1,71,750 प्लस 15,000 1,86,750। यहाँ हमने इसको रिकॉर्ड कर लिए। अब आपका आ जाएगा जी नेट कैश, नेट कैश के बाद आपका आ जाएगा कैश एट द स्टार्ट और एंड पे आपका आएगा जी कैश एट द एंड। हाँ जी 1,50,000 माइनस 1,64,000 14,000 नेगेटिव आ रहा है। ओपनिंग कैश कितना पड़ा हुआ था पहले सवाल में जाते हैं वापस, ओपनिंग आपके पास पड़ा हुआ है बैलेंस एंड बैंक एक्सपेक्टेड टू बी 4,500 आपके पास ओपनिंग में पड़ा हुआ है, यानी कैश एट द स्टार्ट जो है 4,500 पॉजिटिव, मेरा ख्याल है कि पॉजिटिव ही था, फिर भी देख लेता हूँ। हाँ जी तो कितना बच जाएगा ये आपका, नेगेटिव आपका कम होगा कितना हो जाएगा 500 है ना, ये आपका ये बन जाएगा ओपनिंग -9,500
उसका क्या बनता है, मान ले 1,80,000 पॉजिटिव आ रहा है 25 में, नेगेटिव आपका और कम हो जाएगा, 7,000 रह जाएगा। अब ये 2,00,000 माइनस 1,86,750, उसमें 7,000 माइनस कर देंगे आप तो आपका पॉजिटिव 6,250 पॉजिटिव आ गया, यानी आपका नेगेटिव बैलेंस स्टार्ट हुआ था लेकिन पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब आपकी कैश पोजीशन जो है वो विद द पैसिव प्राइम इंप्रूव कर रही है, क्योंकि आपका पॉजिटिव जो है ना बैलेंस आ गया, जबकि स्टार्टिंग से भी ज्यादा पॉजिटिव हो गया ना, स्टार्ट में 4,500 पॉजिटिव था, अब 6,250 पॉजिटिव आपका जो है वो आ गया। तो अब हमने कहते हैं ये क्वेश्चन यहाँ तक हमने किया, अब कहते हैं कि आपने बनानी है इनकम स्टेटमेंट, तो बना लेते हैं हम इनकम स्टेटमेंट। अब तो वो भी उसने क्या सॉल्व करने को, सिर्फ ये सॉल्व करने को, ओ मैंने उठा दिए, बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। इसकी इनकम स्टेटमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें आएगी, हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम आएगी। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में आपकी क्या जाती है जी, सेल्स, जी तो सेल्स जिस महीने की है उसी महीने की आनी है मेरे भाई, याद रखिएगा। उसमें ये नहीं है कि आप मिल रहे हैं पैसे, ये नहीं कंसिडर होगा। तो सेल्स हमें देनी है जनवरी फरवरी और मार्च, ऐड करेंगे 2,10,2,2,10,2,25 उसी महीने की आएगी। तो 2,00,000 प्लस 2,10,000 प्लस 2,50,000 जी क्या जाती है आपकी सेल्स, 6,350,000 इसमें से लेस कर देंगे जी हम कॉस्ट ऑफ सेल्स, नहीं नहीं बताता हूँ मैं आप कैसे करेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स में और सर सबसे पहले आपकी आप आनी है ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है जी, ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी, उसमें आप फिर ऐड करेंगे सेल्स, डेफिनेटली आप लेस करेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगी, जो दिसंबर की क्लोजिंग है वही ओपनिंग, दिसंबर की क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी 45,000 जो है वो दिसंबर की क्लोजिंग थी, तो जनवरी की ओपनिंग बनी थी ना, ठीक है जी, तो 45,000 हमारी आ जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री, वो मैंने बता दिया, हटाना चाहिए नहीं था। चलिए परचेजेस जिस महीने की है उसी महीने की आपको लेनी पड़ेगी, तो परचेजेस मुझे चाहिए आप किसकी, जनवरी फरवरी और मार्च की, जबकि मेरे पास जनवरी फरवरी की दीवी मार्च की तो नहीं है, मार्च की परचेज मुझे फाइंड आउट अब करनी पड़ेगी, इसकी जगह मैंने छोड़ी हुई है, मतलब मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं है उसकी। लेकिन फिलहाल मुझे बताएं कि ये ओपनिंग इन्वेंट्री तो मैंने लिख ली, जनवरी की ओपनिंग क्लोजिंग कितनी है ये बताएं, जगह नहीं है ना किसकी, भला मार्च की क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है आपके पास, तो लिखी होगी एक ही है, किसकी है बताता हूँ, 2,25,000 2,00,000 मार्च की क्लोजिंग है ना, 2,40,000 का आएगा ना 25%, मैंने दिसंबर जनवरी फरवरी लिया है, चलो गलत ही है, गलत अभी करना पड़ेगा हमें सॉल्व, क्योंकि उसके लिए तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया ही नहीं अभी मार्च के लिए, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए भी सॉल्व करना पड़ेगा मुझे, मैं सॉल्व करता हूँ आपको मार्च के। सबसे पहले मुझे मार्च की क्या निकालनी है भला, कॉस्ट ऑफ सेल्स, राइट, सबसे पहले मुझे मार्च की कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है, मार्च की कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है, पीछे जाना पड़ेगा, मार्च की सेल्स कितनी है 2,25,000, इसका क्या निकालेंगे 25 और 125 और माइनस कर देंगे 2,25,000 में से, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आएगी
माइनस करके 2,25,000 मल्टीप्लाई 25 और 125 वो आ जाएगा 45,000 और वो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी 1,80,000। इसमें हम ऐड कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, वो क्या अगले महीने की सेल्स का 25%, अप्रैल की सेल्स का 25%, 2,40,000 का 25%, तो कितनी आ जाएगी हमारे पास 60,000, है ना। अब 1,80,000 प्लस 60,000 आपका कितना बन जाएगा 1,40,240। उसमें से हम लेस कर देंगे ओपनिंग इन्वेंट्री, जो पिछले साल की क्लोजिंग थी वो कितनी थी ये तो आपने बताना था, मैं बताता हूँ ना, जो पिछली क्लोजिंग होगी वो मार्च की सेल्स का होगा ना, 2,25,000 का 25% कितना आता है, 2,25,000 का 25%, क्योंकि मार्च की सेल्स 25% है, 2,25,000 है लेस ओपनिंग 5,625, बिल्कुल सही। ये माइनस कर दें 1,837,750, ये मैंने थोड़ा यहाँ गलत लिखा है, इसको जरा मैं ठीक कर लूँ, क्योंकि ये ओपनिंग इन्वेंट्री है बेटा, दिस इज नॉट क्लोजिंग, दिस इज ओपनिंग इन्वेंट्री, तो हम ऐड करते हैं, लेस करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री। जी तो 1,837,750 ये आपके पास सब परचेज आ गए। अब हम मैं कर सकते हैं ऐड, क्या बना क्लोजिंग इन्वेंट्री तो मुझे पता चल गई है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है मार्च की, कितनी है वाला 60,000, लिखी भी सामने, ठीक है ना। परचेजेस वो कैसे निकालेंगे हम, 1,625,000, ठीक है ना, लिख सकता हूँ 1,625,000 प्लस 1,71,750 प्लस 1,83,750, जी कर लें ऐड, क्या आ जाता है जिस महीने की परचेज रुहान उसी महीने में करनी है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट अक्रूअल बेसिस से बनती है। जी 517,750 ऐड कर देंगे हम, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स का आंसर आ जाएगा 502,750, माइनस कर देंगे 6,35,000 में से, तो आपका जीपी आ जाएगा 1,32,250, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया जी। नहीं नहीं आगे जाना है, लेस करेंगे एक्सपेंसेस। देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती क्या है, मार्च की क्लोजिंग इन्वेंट्री भला क्या होगी, अप्रैल की सेल्स का 25%, अप्रैल की सेल्स 2,40,000 है, उसका 25% निकालो 60,000 आ जाएगी, हमें जनवरी फरवरी मार्च की इनकम सर बना रहे हैं, तो जनवरी का जो ओपनिंग है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री है और जनवरी की जो दिसंबर की जो क्लोजिंग है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री है। लेस करेंगे एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में आपके क्या आ रहे हैं भला, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, गौर से देखिएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गलती से ये ना ऐड कर लेना पकड़ के, जो लिखे हुए कैश फ्लो के अंदर 15,000 ये नहीं आने, उसमें कितने आने 18,000, क्योंकि डेफिसिट भी शामिल है और तीन तीनों सालों के मल्टीप्लाई 3 कर दें आप, यार पूरा ऐड कर दें तब भी बात एक ही है, ये 54,000 आपके आ जाएंगे, पूरे पूरे आएंगे, क्योंकि डेफिसिट भी आपका आता है एक्सपेंस में, आप अलग भी लिख सकते हैं चाहे तो, कहाँ लिखा हुआ है मैं दिखाता हूँ आपको, ये लिखा हुआ है मंथली ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 18,000 विद इंक्लूड डेप्रिसिएशन, आप उसको ऐड करके माइनस करेंगे। जी 78,250 दैट इज प्रॉफिट फॉर देम, आप कंप्लीट हुआ है क्वेश्चन, काफी टेक्निकल सवाल था, कैश बजट इसमें आसान था, इसमें ये परचेज वाला पॉइंट जो था ना उसकी वजह से बेसिक प्रॉब्लम आ रही थी, क्वेश्चन वाला जो है वो टेक्निकल हो जाता है परचेजेस की वजह से। तो आप कॉस्ट ऑफ सेल्स आपने निकाली है पहले 25/125 करके मार्कअप कैलकुलेट, मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट किया, माइनस किया कॉस्ट ऑफ सेल्स आई, उसमें ऐड क्लोजिंग लेस ओपनिंग करके परचेजेस फाइंड किए और मार्च की भी फाइंड की, और फिर कैश बजट बना के हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई है, और इनकम स्टेटमेंट एक्रूअल बेसिस बनती है, जिस साल की सेल्स और परचेज होंगी उसी साल में रिकॉर्ड की जाएगी,
अब क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास नहीं थी इनकम स्टेटमेंट के लिए, क्योंकि मार्च की क्लोजिंग चाहिए थी वो मैंने निकाल ली 60,000, और ओपनिंग जो थी वो जनवरी की ओपनिंग होकर 45,000 हमने निकाल ली, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो हमने सारे रिकॉर्ड कर लिए। ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया जी, थैंक यू।